हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग इज फन विद फरजाना। आज बनाएंगे झींगा का सुक्का फ्राई। इसे तुम्हें स्टार्टर के साथ सर्व कर सकते हैं, नहीं तो चावल रोटी के साथ, नहीं तो बिरयानी पुलाव के साथ भी साइड डिश में सर्व कर सकते हैं। इसके वास्ते 3 पाव केजी साफ करके धोकर रख ले सो झींगा में 1.5 स्पून नमक, 1.5 स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून काली मिर्च का पाउडर, 2 स्पून गरम मसाला पाउडर, 2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी जरे कोथिमीर दाल को एक बार अच्छा मिला ले को किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैरिनेट कर लेना आधे घंटे के वास्ते। अब एक पैन को गरम कर ले को मैरिनेट कर ले सो झींगे को इसमें डाल डालना। कवर कर को मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे पकने देना। झींगे में का पूरा पानी एवोपरेट होने तक बीच बीच में चलाते हुए। पूरा पानी एवोपरेट होने के बाद होना तो झींगे को दूसरे बाउल में निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसा साइड में कर सकते पैन में से। बीच में ऐसे ज़रा प्लेस बना को इसमें तेल डालना। मैं यहाँ ऑलिव ऑयल से बनाती हूँ, होना तो नॉर्मल वाला कुकिंग ऑयल से भी बना सकते। 2 स्पून तेल डालने के बाद 3 पाव कप स्लाइस कर ले सो प्याज को डाल लेना। जरे करी पाक डाल लेना। अब फ्लेम को मीडियम पर रख ले को प्याज को ट्रांसपेरेंट होने देना। प्याज ट्रांसपेरेंट होने के बाद पूरे इंग्रेडिएंट्स को अच्छा मिला लेना, कतो झींगा को भी मिला लेना। 2 मिनट इसे लो फ्लेम के ऊपर पकने के बाद जरे कोथिमीर दाल को फ्लेम को बंद कर डालना। लास्ट में 2 स्पून नींबू का रस डाल डालना। तो आज बन गया हमारा वेरी सिंपल झींगा का सुक्का फ्राई, प्रॉन्स ड्राई फ्राई। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।